दोस्तों हिसार बनाम केथल के बीच टॉस होता हुआ और टॉस या हिसार ने जीता सो इस कोर्ट खेल शुरू इसी के साथ उसके बाद मैच शुरू हो जाएगा। हिदायत यहाँ रेफरी के द्वारा, पहली रेड जो कि केथल की रही थी जिसमें सात नंबर जसीम इसमें देखे केथल अटावला पानीपत हरियाणा से इस वक्त आप देख रहे हैं जूनियर स्टेट कबड्डी चैंपियनशिप 2024 और लक्ष्य तक पहुंचने में सफल रेड दो पॉइंट के साथ तीन पॉइंट का इशारा यानी सुपर रेड जीता और अच्छी शुरुआत यहाँ पे सिक्स नंबर में इस वक्त और जो खिलाड़ी पुश करने की कोशिश और यहाँ बाहर भेज दिया, चोट लग सकती है जरा संभल के और इस साइड से देखते हैं आखिर दो पॉइंट का इजाफा फिर से मजबूत डिफेंस इस समय और मुश्किलें बढ़ती हुई केथल की, अंतिम खिलाड़ी ऑल आउट का खतरा। हिसार टॉस जीतते हुए बेहतरीन शुरुआत की और इसके साथ ही लीजिए केथल ऑल आउट पहली बार हिसार के सामने डी लाइन को छोकर नो स्कोर जा पहुंचा देखते ही देखते हिसार का, जबकि केथल सिर्फ एक पॉइंट पे के ऊपर और यहाँ गलती फिर से दोहराई है, बोनस के साथ अंक गंवाया केथल ने दहाई अंकों में हिसार तो हिसार के अंगना में लगातार इजाफा बोनस की कोशिश में बोनस लेकर वापस मजबूत डिफेंस की आवश्यकता इस समय केथल को और यहाँ शानदार टेकल किया, ऐसा ही तालमेल बनाए रखना होगा मैच में बने रहने के लिए। ढाई अंकों में पहले ही पहुंच चुका है हिसार, जबकि क्या थोड़ी समय देखे बड़ा रन हो सकता था लेकिन पकड़ इतनी मजबूत है हिसार की। टैलेंट और कौशल दिखाता हुआ अटावला की धरा पे इस वक्त दो जिले की बालिकाएं केथल बनाम हिसार यहाँ पुश करने की कोशिश और उठा लिया है, चोट लग सकती है मगर सेफ। पांच का डिफेंस इस वक्त ऑल आउट का खतरा फिर से बढ़ सकता है। सब जूनियर 2024 हरियाणा में आयोजित हिसार के नाम एक और भमोले अंक मुश्किलें बढ़ सकती हैं, यहाँ से अंक गंवाए तो फिर चार का डिफेंस जो कि कमज़ोर साबित हो सकता है हिसार के सामने, लेकिन हिसार यहाँ सावधानी से खेल को आगे बढ़ाता हुआ सेफी वापस केथल दबाव में फिर से डू और डाई का सामना करना पड़ सकता है। सेफी कम बैक और टाइम आउट इसी के साथ सेकेंड हाफ और यहाँ शानदार टेकल जिसकी बदौलत 15 पे पहुँचता हुआ इस समय हिसार, जबकि 4 पे रुका हुआ है केथल। गर्मी का प्रकोप
उसके बावजूद यहाँ खिलाड़ी देखे और यहाँ देखे ब्लॉक तोड़ने की कोशिश, मगर सुपर टेकल में फंसता हुआ इसमें हिसार। और यहाँ कैथल के स्कोर में जाते हुए दो बहुमूल्य अंक, 6 पे पहुँचता हुआ 6-15, 16-6 का स्कोर है। और यहाँ एक और रन का इजाफा करता हुआ पुश किया साइड लाइन से बाहर भेजता इशार। आक्रामक खेल हर साइड में, चाहे वो डिफेंस की बात हो या फिर रेडिंग की। सुपर टेकल में और पिछली रेड से जरूर दो अंक चुराए थे और क्योंकि सुपर टेकल से फायदा मिला था। ये अंतिम प्रतियोगिता होगी, इससे पहले 1 पॉइंट लेकर वापस 18-6 का स्कोर। ऑल आउट का खतरा दूसरी बार। सर्कल कबड्डी जो हमारी प्रतियोगिता है वो हम संपन्न करा चुके हैं एक बार पहले। ये ऑल आउट हो चुका है, प्रतियोगिता ये शेष रहती है, ये आपके सामने चल रही है। धक्का देकर बाहर धकेला है और फिर से सभी के सभी हमारे आयोजन अब ऑल आउट का आसान मौका इशार के पास। दूसरी बार यहां देखे और ये ऑल आउट करता हुआ इस वक्त कैथल को। जी हाँ, दो बार ऑल आउट कर चुका है इशार कैथल को। बधाई देना चाहेंगे आपने, इतने मेहमान हमारे बीच में आए हुए, आप भी बिल्कुल खाना ले सकते हैं। 22-6 का स्कोर, फर्स्ट हाफ का खेल मजबूत इस समय हिसार। और कहीं ना कहीं ये जीत की तैयारी माननीय कुलदीप साहब इस समय देखे खिलाड़ियों का हौसला अफजाई के लिए। इसके साथ ही हाफ टाइम मध्यांतर का समय। लड़कियों के वर्ग का जो मैच चल रहा है इसका सेमीफाइनल, इसका हाफ टाइम हो चुका है। हाफ टाइम स्कोर एक बार मुझे बताएं नरेश, हाफ टाइम स्कोर बता करके जाइए आप। नरेश कुमार महेंद्रगढ़, हाफ टाइम स्कोर बता करके जाइए। 12-22, 7-22 का स्कोर। और इस बड़ी बढ़त का फायदा उठाता हुआ देखिए दूसरे हाफ का खेल शुरू। बोनस के साथ शुरुआत पॉइंट अर्जित किया है, यानी 2 अंक के साथ दूसरा हाफ का खेल। इशार 24 पे जबकि 7 पे रुका हुआ है कैथल, 17 अंकों की विशाल बढ़त। और यहाँ कमजोर पकड़ उसका फायदा जरूर कैथल को मिला 1 अंक के साथ। 8 पे पहुँचता हुआ काफ़ी धीमी कछुए की तरह चाल इस वक्त कैथल की, लेकिन हिसार के एग्रेसिव खेल की दाद देनी होगी और पकड़ मजबूत हो सकती थी, मगर क्या बेहतरीन रेडिंग यहाँ पे हिसार की ओर से। 25-8 का स्कोर, यानी कि 17 अंकों की बढ़त देखेगा, ये दर्शाता है कि जीत के कितना करीब जा रहा है। हालांकि दूसरा आपका खेल अभी स्टार्ट ही हुआ है और यहाँ पकड़ फिर से बेहतरीन और उतना ही शानदार पुश साइड लाइन से बाहर भेजा। लगातार अच्छा कार्य करता हुआ और बेहतरीन अभ्यास और कोचिंग के बाद यहाँ खेलने पहुँचा है इशार, और उसका लाभ मिलना ही था। कोच की भी दाद देनी होगी, टीम कप्तान बेहतरीन कैप्टनसी और आत्मविश्वास से भरपूर नजर आती बीच में हिसार की बालिकाएं। समय का जाया करना, एक मनोवैज्ञानिक बढ़त प्राप्त करना या फिर दबाव बनाने के संकेत ये, इसलिए देखते हैं आखिर कैथल कैसे आगे का रुख पेश करता है, क्योंकि जोखिम उठाना चाहिए और भरोसा करना होगा हर खिलाड़ी के ऊपर, तब जाकर वो खेल में बने रह सकते हैं, अदरवाइज पिछड़ते जाएंगे मैच में। 25-8 के साथ काफ़ी बड़ी बढ़त बनाए हुए हिसार। राइट कॉर्नर से और पुश करने की कोशिश, मगर बड़ी देर से सफलता मिली। 9वां अंक इस समय कैथल के खजाने में, 9-25 यानी 16 अंक अभी भी पीछे। और ये देखिए कितनी बेहतरीन मजबूत राइडर इस वक्त तनु और लक्ष्य तक पहुंचते भी, तनु के प्रदर्शन के आगे देखिए कैथल कमज़ोर होता हुआ। तनु की बात करें या फिर उनकी तमाम सहेलियों की, अच्छा खेल दिखाया है और साइड लाइन से आसानी से बाहर भेजा, बहुत दूर धक्का दिया। एक और अंक 27 पे पहुंचता हुआ, 27-9 यानी अब 19
इनके 18 अंक आगे है, लेकिन यहाँ एक आसान अंक मिलेगा। जी हाँ, विश्वास खोता हुआ दिखाई दे रहा है इस समय के थल। टोल बालिका है इस वक्त 6 नंबर में, लेकिन प्रदर्शन उतना बड़ा नहीं जितनी इनका हाइट नजर आ रहा। दबाव में आके सेफी यानी खाली हाथ ही लौटना पड़ा। 28-9, 19 अंक का बड़ा फासला और ये जीत के लिए शायद काफी है। सुपर टेकल दबाव इस वक्त सेल्फ आउट शायद 6 नंबर की बालिका। जी हाँ, सही भूमिका निर्णय की। एक तोहफे के रूप में 2 अंक माफ कीजिए। और अब अंतिम खिलाड़ी ऑल आउट की कगार पे। फर्स्ट हाफ में 2 बार ऑल आउट हुआ था और सेकंड हाफ में पहली बार देखे, कुल मिलाकर 3री बार ऑल आउट के थल। हिसार के पास क्या खेल है। और इस समय देखिए 5 नंबर में जानू और गुब्बारे मैच पे आ गए हैं ग्राउंड पे, लेकिन खेल निरंतर अपनी प्रगति पे। हवा का रुख तेज, गर्म हवा के झोंके, तापमान 45 डिग्री से ऊपर और उसी तापमान में यहाँ तपता हुआ दिखाई दे रहा है हिसार। ज़रूर मेहनत रंग लाएगी, क्योंकि कहते हैं कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती। यहाँ शायद केथल लहरों से डरने लगा है, मगर हिसार जिस आत्मविश्वास में नजर आ रहा लाजवाब। 35-9, क्या गजब का स्कोर। अंतिम 1 मिनट का खेल शेष। ऑल आउट की तहलीज पे चौथी बार केथल। जी हाँ, 4 बार ऑल आउट हो चुका है। समय समाप्ति के बिल्कुल करीब, जीत सुनिश्चित है इस वक्त हिसार की। बड़ा स्कोर और बड़ी जीत की ओर केथल के सामने हिसार। दूसरा मैच बालिका वर्ग में और यहां धक्का देकर बाहर धकेल दिया। देखिए एक और बहुमूल्य अंक, माफ कीजिए, तीसरा मैच है। इससे पहले सोनीपत ने जीत दर्ज की और इसके साथ बच गई सिटी। खेल यहां समाप्त। बड़े अंक सेक्शन का मैच समाप्त हो चुका है। 944 यानी 35 पॉइंट के बड़े अंतर से यहाँ हिसार ने इस चैंपियनशिप की शुरुआत की है। कॉन्ग्रेचुलेशंस हिसार, बधाइयां इस समय कोच के द्वारा। वेल प्लेड, बेस्ट ऑफ लक फॉर नेक्स्ट मैच।